इंदौर जिले के बेटमा के समीप ग्राम रावद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक निर्दयी पिता ने अपने ही बेटे को घर में दो दिनों से बांध कर रखा था। बच्चे ने अपनी सूझबूझ से बाहर निकलकर गांव वालों को पूरी कारगुजारी सुनाई। गांव वालों ने तुरंत 108 को कॉल करके बुलाया, जिसमें डॉक्टर संतोष मालवीय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रावत में कोहिनूर पिता काजू सिंह उम्र 8 वर्ष है, जिसे उसके ही पिता कालू सिंह ने दो दिनों से घर में जंजीरों से बांध कर रखा था। वह उसके साथ मारपीट व बिजली के तारों से करंट लगाता था। घर पर ताला लगाकर पिता फरार हो गया था। बच्चे ने मुंह से हाथों की रस्सी खोलकर खिड़की के द्वारा घर से बाहर निकला और ग्रामीणों को पूरी कहानी सुनाई। ग्रामीणों ने तुरंत 108 पर कॉल कर उसे बुलाया व डॉक्टर संतोष मालवीय व पायलट हृदेश अहिरवाल मौके पर पहुंचकर बच्चे को फर्स्ट एड देते हुए बेटमा शासकीय हॉस्पिटल लेकर आए। यहां पर डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण इंदौर MY हॉस्पिटल में रेफर किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। घायल है रावत गांव में, सूचना मिलते ही हम गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। वहां देखा तो बच्चे के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी और बच्चे ने बताया कि उसके पिताजी द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको करंट भी लगाया है बच्चे के द्वारा, बच्चे ने कहा है ऐसा। और उसको जब हमने गाड़ी में लेकर उसको देखा तो उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव थे। उसको फर्स्ट एड देते हुए हम सरकारी हॉस्पिटल बेटमा लाए हैं। यहाँ से चौधरी जी द्वारा उसको इलाज करके MYH इंदौर रेफर कर दिया गया। किस प्रकार की चोटें थी और कैसे बांध रखा था उसको? उसको पैरों में जंजीर से बांध रखा था। उसके दोनों हाथ, वो बता रहा है कि मुझे हाथों में रस्सी से बांध रखा था उसको। उसने मुंह द्वारा रस्सी खोल के उसने घर पे, बाहर तो ताला लगा हुआ था उसके घर में, उसके पिताजी कहीं चले गए थे, तो उन्हें रस्सी खोल के खिड़की द्वारा बाहर आया है। उसके बाद आसपास के पड़ोसी ने उसको देखा, उसके बाद 108 को फोन लगाया। हम पहुंच के फिर उसका इलाज करते हुए सरकारी हॉस्पिटल लेकर आए। आपका नाम और पद बता दीजिए। EMT संतोष मालवीय, बेटमा लोकेशन इंदौर। पिता तुलसीराम पारदी निवासी रावत के द्वारा बच्चे कोहिनूर को थाने पर लाया। बच्चे से बातचीत की तो उसने बताया कि उसके पिता काजू सिंह पारदी और माँ गोरीबाई ने हाथ पैर बांधकर दो दिन से घर के अंदर पटक रखा था और मारपीट किया। हरियाणा राज्यपाल की तरफ से अपराध क्रमांक 444/19 धारा 342 323 506 34 भाद्रिका और 75 किशोर न्याय अधिनियम 1915 का अपराध कायम किया है। सर, बच्चों को चोट किस प्रकार की आई है? बच्चे को चोटें तो डॉक्टर ने नॉर्मल बताई है, पर चूंकि उसके चेहरे और बदन पर चोटें थी, बच्चे को डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी MO बेटमा द्वारा MYH रेफर किया गया है। आरोपियों की तलाश करते दोनों पति पत्नी अपने घर से फरार है। आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। सर, आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम मानसिंह कुशवा, सहायक उप निरीक्षक थाना बेटमा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।